नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आदित्य अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करते हैं। देश में लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस ने अब बीजेपी से मुकाबला करने के लिए राष्ट्रवाद की राह को पकड़ लिया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवाद की ट्रेनिंग देगी। पिछले महीने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक में ये रणनीति बनाई गई है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, कांग्रेस अब चाहती है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए वो राष्ट्रवाद को एक हथियार के तौर पर यूज करे। राष्ट्रवाद की राह पर चलना शुरू करने वाली है कांग्रेस और इसके लिए बाकायदा कांग्रेस पार्टी देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवाद की ट्रेनिंग देने वाली है। पिछले महीने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं को ये कहा गया है कि ये रणनीति बनाई गई है कि राष्ट्रवाद की ट्रेनिंग दी जाएगी अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस वक्त हाशिए पर है, अब राष्ट्रवाद का सहारा लेने की कोशिश और ये रणनीति बनाई गई है कि अब कांग्रेस पार्टी देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को बाकायदा राष्ट्रवाद की ट्रेनिंग देगी। तो देश में अलग अलग जगहों पर राष्ट्रवाद की ट्रेनिंग दी जाएगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, यह कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है। गांधी जी का नाम लेकर भारत को उन्हीं के रास्ते से हटकर अपनी दिशा में ले जाने की कोशिश करने वाले पहले भी कम नहीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तो। और जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति है इस वक्त पूरे देश में, अब परिवारवाद नहीं चला तो राष्ट्रवाद का सहारा लेने की बात हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप पिछले चुनाव के रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट के बाद ऐसा कांग्रेस को लगने लगा है कि उनको देशद्रोही साबित किया जा रहा है और राष्ट्रवाद का ठेका सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति बनाई, रणनीति के तहत पूरे देश भर के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के उनको बुलाया गया दिल्ली में, उसके साथ साथ जो सीएलपी लीडर यानी जो विधायक दल के नेता हैं हर प्रदेश के उनको भी बुलाया गया और उनको बाकायदे कहा गया कि राष्ट्रवाद के नाम पर आप जाकर अपने अपने स्टेट में ट्रेनिंग दे कार्यकर्ताओं को, अपने ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर छोटे छोटे प्रोग्राम कर कार्यकर्ताओं को बताएं कि राष्ट्रवाद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का नहीं है, इस राष्ट्रवाद का काम हमने भी किया, हमारे दौर में हमने देश की आजादी के में कांग्रेस का क्या रोल रहा है वो बताने का। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने जिस तरह से पाकिस्तान का डिवीजन किया और उस तरह से किस तरह से राष्ट्रवाद की अलख जगाई उस समय में, इन सब बातों को जनता के सामने रखा जाए और ये बताया जाए कि राष्ट्रवाद सिर्फ बीजेपी की खैरात नहीं है, हमारी भी है, तो ये बताना पड़ रहा है कांग्रेस को। क्योंकि ऐसा लग रहा है, देखिए अगर 2014 के चुनाव से जिक्र करेंगे तो 2014 के चुनाव के बाद कमिटी बनाई गई जिसको एंटोनी कमिटी कहा गया। एंटोनी कमिटी ने यह अध्ययन किया कि आपको एंटी हिंदू बनाया गया, पार्टी बन गई और कि सिर्फ मुसलमानों के का पक्षधर रहने वाली पार्टी, स्यूडो सेकुलर का ठप्पा लगा आप पर कांग्रेस पार्टी पर। तो उस समय एक कमिटी बनी और पिछले 5 साल 2014 से लेकर 2019 तक कांग्रेस यही सुधार करने में लगी कि कैसे हम एंटी हिंदू पार्टी का जो छवि था उससे हटा जाए। राहुल गांधी मंदिर गए, तमाम जगह गए, उसका कुछ फायदा भी हुआ राज्यों के चुनाव में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तमाम जगह कुछ फायदा भी हुआ, लेकिन नेशनल लेवल पर उसका फायदा नहीं हो पाया। अब उनको लगने लगा कि जिस तरह से वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जिस तरह से जब बालाकोट स्ट्राइक होता है तो एंटी इंडियन बात करते हैं, तो उनको देशद्रोही बताया जाने लगा है। तो वैसी स्थिति में अब राष्ट्रवाद की ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ रही है रवि। लेकिन कांग्रेस का जो ये इमेज अपनी सुधारने की जो ये कोशिश है या इमेज मेकओवर करने की जो कोशिश है वो काफी अब लग रहा है कि देर में लिया गया कदम है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देर में, चूंकि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं और वो आप फॉलो कर रहे हैं, चूंकि आरएसएस का मॉड्यूल है, आरएसएस इस नाम पर काम करता है कि राष्ट्रवाद लोगों में जगाना है, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरनी है, और उसी लाइन पर बीजेपी काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये लंबे समय से प्रोसेस करते करते आज आरएसएस और बीजेपी इस जगह पे आया है। अब कांग्रेस उस चीज को दोबारा वापस करेगी तो कांग्रेस को उतना ही समय लगेगा। कांग्रेस ने बीच में आप देखिए तो कई बार हुआ कि आरएसएस के जैसे प्रचारक होते हैं जो होल टाइमर्स काम करते हैं देश में जाकर, उनकी तरफ कांग्रेस भी काम करेगी, वो भी प्रचारक के तौर
तौर पर लोगों को रखेगी, कई जगह जाकर राष्ट्रवाद की ट्रेनिंग दिया जाएगा, तिरंगा फहराया जाएगा, तमाम तरह के कार्यक्रम करके आप लोगों में एक राष्ट्रवाद की अलग जगाना चाहते हैं कांग्रेस की तरह से। लेकिन चूंकि आप किसी की नकल करते हैं तो नकल के लिए भी कहते हैं अकल की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, बहुत लंबा रास्ता है और बहुत मुश्किल रास्ता होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो परिवारवाद के बाद अब राष्ट्रवाद के सहारे है कांग्रेस। इसी मुद्दे पर आज शाम 5 बजे ताल ठोक के बड़ी बहस जरूर देखें जी न्यूज पर।